Hello, all of you. So now you all are CA students, right? How does it feel? I'm sure it feels great. आज से तो आपके और Miss Universe में भी similarities develop होना शुरू हो गई हैं, right? No, you both are conscious about figures now. So apart from figures and numbers, एक और अहम subject है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा interest, बहुत ज़्यादा enthusiasm और बहुत ज़्यादा dedication दिखाना होगा, which is law. CA Foundation का paper 2 business laws and business correspondence and reporting का दो section है. जो section A है, it is about business laws, जो कि आपका 60 marks का आता है. And it is absolutely new for you. उन figures और numbers में आपने काफी खेला है, accounts वगैरह में. पर अब ये जो law subject है, that is absolutely new for you. और मैं CA शिवांगी अग्रवाल आपको help करने के लिए, आपको guide करने के लिए यहाँ पे आई हूँ. So let's begin कि हमारा ये law subject आखिर है क्या? How are we going to study and what is going to be our methodology and what is it all about? So my dear, first of all, business law. आपके लिए ये समझना जरूरी है, law का मतलब क्या है? Law की जरूरत क्या है? ये नियम, कायदे, कानून, किसी ने सुना है मोटर व्हीकल्स एक्ट? नहीं भी सुना है तो छोड़ो, जाने दो, डजंट रियली मैटर. बट व्हाट मैटर्स इज कि व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, कैसे आपको पता होता है कि हमको जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है, या कैसे आपको पता होता है कि हमें हेलमेट पहनना है? वो तो मैम ठुल्ले के डर से हम क्या करते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं. ठुल्ले, यू अंडरस्टैंड दैट इज हाउ आज की जनरेशन लैंग्वेज यूज करती है. या ट्रैफिक पुलिस, राइट? तो ट्रैफिक पुलिस के डर से क्या करते हैं, हम हेलमेट पहन लेते हैं. वी डोंट एक्चुअली नो दैट देयर इज अ लॉ रिटन आउट देयर. क्या होता है, कभी भी कोई सिचुएशन आई, ठीक है, हमने देखा कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. एक्चुअली बहुत फर्स्ट क्रिएट होता है. जैसे भी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो जीएसटी से क्या हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? बिकॉज द नीड वॉज फेल्ट दैट इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड. लाइक वाइज वेन यू ड्राइविंग अ रोड, आपने देखा इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपने देखा कि हेड इंजरी से लोगों की डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा वही हार्मफुल है. तो इसलिए ये लॉ निकला, क्योंकि अगर रूल नहीं बनाएंगे, आप घर में देखो, आपके घर में अगर रूल नहीं बनेगा, इफ देयर इज नो रूल कि आपको घर वापस लौटना है 12 बजे के पहले, तो आप क्या करोगे? या से फॉर एग्जांपल 9 बजे के पहले, 12 इज टू लेट, राइट? 9 बजे के पहले तो आप क्या करोगे, रात में 12 बजे तक घूमते रहोगे. पर अगर आपको लॉ बना दिया गया, नियम बना दिया गया, तो आपको 9 बजे आना ही पड़ेगा. बिकॉज अगर कोई रूल है तो उस रूल को तोड़ा तो उसकी पेनाल्टी भी है, राइट? तो ये छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं. अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे, कंट्री लेवल पे बात करें, तो कंट्री में इतने सारे सिटीजन्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के, अलग कास्ट, रीड, कल्चर, राइट? उन सबको लॉ जोड़ता है, क्योंकि लॉ सबके लिए एक है. आपने अगर कोई नियम तोड़ा तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी. नियम हर चीज के हैं, हर चीज के, बिकॉज हर चीज में नियम की जरूरत है. बिना नियम के तो हम काम ही नहीं करते हैं. वी विल नॉट बी दैट डिसिप्लिन्ड हैड देयर बी नो लॉज इन आवर कंट्री. सो वी नीड लॉज एट एवरी स्टेप, व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर टेकिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हेन यू आर बाइंग. आप घर का राशन खरीद रहे हो तो भी लॉ लग रहा है यार, जीएसटी, उसको कलेक्ट करना, उसको देना, इतने नियम है उसमें भी. आपकी सैलरी आ रही है तो भी लग रहा है, इनकम टैक्स पे करना है. टैक्स नहीं पे किया तो हम क्या, जेल भी जा सकते हैं. तो हर जगह लॉ है, हर जगह कानून है. मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर व्हीकल चलाने का लॉ आपको सिखाता है, चलानी है तो ऐसे चलानी पड़ेगी. बिजनेस लॉ, बिजनेस चलाने का लॉ, बिजनेस चलाना है तो ऐसे चलाना पड़ेगा. हैड देयर बीन नो लॉज, तो मैंने आपसे खरीदे गुड्स, आपने मुझे बेचे गुड्स, आई हैव टू मेक पेमेंट. मैंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी पेमेंट, आप क्या कर लोगे? कोई कानून है ही नहीं. मेरे और आपके बीच की बात थी, विश्वास की बात थी, मैंने विश्वास तोड़ दिया. आजकल तो बहुत तेजी से करते हैं ये लोग विश्वासघात, मैंने भी कर दिया आपके साथ, बिग डील, क्या कर लोगे आप? पर क्योंकि अब लॉ है, यू कैन ड्रैग मी टू द कोर्ट. आप मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो, आपको सारी रेमेडीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने धोखा दिया है, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. सो यू नीड टू नो व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज, यू नीड टू नो व्हाट ब्रीच इज, यू नीड टू नो व्हाट आर द रेमेडीज. सो इसीलिए लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है. अब लॉ में देखो बहुत सारी चीजें आती है, रेगुलेशंस, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स. और उसी लॉ में एक आता है एक्ट, छोटा सा प्यारा सा 3-letter वर्ड, एक्ट. व्हाट इज इट? एक्ट का मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़नी है, पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़नी है, कितनी सारी एक्ट आपको पढ़नी है, ठीक है? पर एक्ट का मतलब क्या होता है? रूल बनाया हमने,
ठीक है, लिखा हमने ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, जो भी एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम रूल बनाते हैं, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बनाते हैं बिकॉज लॉ मेकर्स बनाते हैं, इस रूल को कौन पास करेगा, कौन बोलेगा कि ये सबको मानना है? अगर मैं बोलूंगी कि मैंने ये रूल बनाया और सारी कंट्री को मानना है तो क्या आप मान लोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। पर अगर मोदी जी बोलेंगे तो कुछ लोग मान लेंगे और कुछ को मजबूरी में मानना पड़ेगा। सो इट इज द गवर्नमेंट हु ब्रिंग्स द लॉ, राइट? सो एक ड्राफ्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं बिल। बिल ठीक है, रूल्स लिखा है, ड्राफ्ट हो गया, फाइनल नहीं है ना, तो ड्राफ्ट है। जैसे आप मैसेज टाइप करते हो, अंटिल यू सेंड इट, इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइनल, है ना, तो ड्राफ्ट होता है। आपका मेल अगर आप टाइप करके छोड़ दो, ड्राफ्ट्स में चला जाता है, तो ये भी ड्राफ्ट हो गया जिसको हम बिल बोलते हैं। सबसे पहले ये जाता है लोकसभा में, वहां पे लोग उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ये चेंज करना चाहिए, ये नहीं चेंज करना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस एंड एवरीथिंग इट इज चेंज्ड, इट इज रीड्राफ्टेड, वो जो भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट होने के बाद इट इज अप्रूव्ड। Once it is approved from Lok Sabha, it goes to Rajya Sabha. So both houses of parliament, right? So दूसरे में जाता है, वहाँ पे भी जो भी recommendations के बाद it is approved. Once it is approved by both houses of parliament, it gets president's assent. President के पास जाता है, president उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, that means he has approved. उन्होंने हाँ भी भर दी, उन्होंने assent दे दी, and a bill. Once approved, becomes an act. अब इस रूल को लिखने का तरीका भी ना इतना सिंपल नहीं होता है। जैसे अगर मैं अपने लिए रूल लिखूंगी या आपके घर में अगर रूल रिटन में लिखाता है तो क्या होता है, ऐसे ही लिख देंगे, पॉइंट वाइज बुलेट्स बना देंगे, बहुत सुंदर अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो। पर ऐसा नहीं होता है लॉ में या एक्ट में। एक्ट में हम कैसे लिखते हैं, वी डिवाइड अवर एक्ट इंटू chapters, we divide our act into chapters, we divide these chapters into different sections, you have subsections, you have clauses, you have sub clauses, then you also have provisions, you have explanations, you have modifications, you have schedules, आपके इसी में अंदर रूल्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों को मिला के हमें पढ़ना होता है कि आखिर ये कानून कहना क्या चाह रहा है। हर कानून अलग होता है। आपने अगर बचपन में पढ़ा था ए फॉर एप्पल तो आज तक ए फॉर एप्पल ही है, राइट? बट इट इज नॉट द सेम इन लॉ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव, आप लोग कह रहे मैम इतनी लंबी लिस्ट है क्या बताएं। देखो अगर हम रिलेटिव की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 41 में रिलेटिव अलग डिफाइंड है, और कंपनीज एक्ट जो कि आपको पढ़नी भी है उसके सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव अलग डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट पे अगर बात करो तो आपका दामाद आपका रिलेटिव होता है, पर एक दामाद के लिए उसका ससुर उसका रिलेटिव नहीं होता है, दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। पर इनकम टैक्स एक्ट में वो भी रिलेटिव होता है। अरे मैम आज तक तो हमको ये पता ही नहीं था, हमें तो पता था जितने लोग हम रिश्ते जानते हैं उतने हमारे क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है एक्ट में, ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो भी मेरा रिलेटिव, क्यों मेरे ससुर जी क्या मेरे रिलेटिव नहीं होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्ट की खास बात या लॉ की खास बात ही यही होती है कि आपको लग रहा है कि पेनाल्टी, अरे मैम इतनी सी बात पे 1,00,000 की पेनाल्टी कुछ ज्यादा नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट शुड नॉट बी मोर देन 10,000। यू कैन नॉट राइट दिस माय डियर, एक्ट कानून बन गया है, आपको इस कानून को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, आपको इस कानून को समझना है, उसके प्रोविजंस को समझना है, उसको सही इंटरप्रेट करना है, पर अपनी भावनाएं उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है। ठीक है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट नॉलेज फ्रॉम लॉ ओनली, आप कुछ अपना इनपुट एड ऑन नहीं कर सकते। अगर आपने अपना इनपुट एड ऑन किया ना तो वो तो आंसर ही आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब देखो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे विच आई एम टेलिंग यू, तो दिन आपका हो ना हो साल आपका जरूर होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं जरा हम ये पढ़ने कैसे वाले हैं, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी सेक्शन ए बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में अगर मैं बात करूं
आपको कितनी चीजें पढ़नी है, सबसे पहला है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर LLP और फिर कंपनीज एक्ट. तो ये सारे चैप्टर्स, दैट इज देयर आर इन टोटल 5 चैप्टर्स, और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी नंबर के, ठीक है. सो योर प्रिपरेशन शुड बी सच कि आपको समझ में आए अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा है तो क्या लिखना है, 4 मार्क का पूछा है तो क्या लिखना है. सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क ऑल्सो एंड फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है. सो यू हैव टू क्लियरली जज कि आपको कैसे लिखना है. लॉ में आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है. कोई भी आपको मगिंग अप नहीं करनी है, दैट मीन्स ये नहीं कि अरे मैम इतनी पूरी बुक हमें याद कर लेनी है, नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. मोर ओवर आपके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, यू हैव टू लर्न दोज कीवर्ड्स. जैसे आप अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो यूजिंग दोज कीवर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर. सो यू विल बी टोल्ड कि आपको आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे लिखना है. सो बिजनेस लॉ हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को चलाने का तरीका, राइट. क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आप कैसे करते हो, एंड ऑल द बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस में हमारे क्या होता है, परचेज सेल, सो यू हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड द फेमस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनी. तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है. सो प्राइमरी नॉलेज ऑफ लॉ वहां से आपको बिगिन करना है, एंड आई एम श्योर इन द कमिंग फ्यूचर यू ऑल आर गोइंग टू बी लॉ एक्सपर्ट्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रूमिंग प्रोफेशनल्स, जो तो आप बनोगे ही बनोगे, उसके साथ साथ आप क्या बनोगे, एकदम लॉ में एक्सपर्ट हो जाने वाले हो, राइट. अब देखो, कोई भी एक्ट अगर आप शुरू करोगे, कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप ऐसे ही नहीं पढ़ोगे कि अच्छा इसमें ये लिखा है. नो, यू नीड टू नो व्हाट इज द एक्ट ऑल अबाउट, व्हाई दिस एक्ट इज नीडेड, दैट इज अ स्लाइट बैकग्राउंड कि क्यों इस एक्ट को जरूरत पड़ी लाने की, ठीक है. वेयर, कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल होती है, कहां लगती है, किसके ऊपर लगती है, ठीक है, कब ये एक्ट आई, कब जरूरत हुई इस कानून को लाने की, और कब ये एक्चुअली आई, एंड हाउ, दैट इज हाउ द प्रोविजंस फंक्शन. किसी में कोई प्रोसीजर है कि अगर आपको ये करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हेलमेट पहन के जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है, हेलमेट सिर्फ आगे वाले को पहनना है, पीछे वाले को भी पहनना है, एनी वन हु इज राइट, हाँ, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, हाउ द प्रोसीजरल चीजें, तो वो सारी आपको पढ़नी होगी, ठीक है. सो एक्ट में आपको कोई एक चीज नहीं पढ़नी है, आपको सारी चीजें मिला के पढ़नी होगी, और आपकी वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है. तो इससे हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बट एक्चुअली हम समझेंगे व्हाट इज इट ऑल अबाउट. तो इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, एंड विद अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स, आपका मैं कोशिश करूंगी कि इसमें इंटरेस्ट पूरी तरीके से बना रहे. सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड आगे के हम स्टडी अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं हाउ योर सेक्शंस, हाउ योर प्रोविजंस आर गोइंग टू अनफोल्ड टाइम वाइज. जब जहां जैसी जरूरत होगी वी विल गिव यू एक्सप्लेनेशंस, आपको सारे प्रोविजन समझाए जाएंगे और आप उन प्रोविजंस का रेगुलरली रिविजन करेंगे. दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट्स इट, ठीक है. बाकी सारी चिंता आप छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिविजन करना है, रेगुलर रिविजन, ठीक है. जो आपको क्लास में कराया जाएगा वो अलग है, आपको जो करना है वो अलग है, ठीक है. बिकॉज आप जितने ज्यादा रिविजन्स करेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और नॉलेज को प्रेजेंट कर पाएंगे व्हाइल राइटिंग योर एग्जामिनेशन. सो ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय.